सोलो फ्रेंड दिस इज प्रियांशु, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुकियो सीट नाउ पे। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप सभी को कि आपका जो एडमिट कार्ड है नीट पीजी 2023 का जो एग्ज़ाम डेट जो शेड्यूल किया गया था 5 मार्च को, उसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया था कि 27 फेब को आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो वो आपका रिलीज़ हो गया। आप NBE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपना एडमिट कार्ड। जो भी सेंटर आपको अलॉट हुआ है उस पर जाके आप लुकआउट कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर लीजिए, फादर नेम चेक कर लीजिए, कैटेगरी चेक कर लीजिएगा ध्यान से, और साथ ही साथ जो भी फर्दर चीज़ें हैं उसमें DOB एंड ऑल सारी कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चेकआउट कर लीजिए। जो भी आपका सेंटर है वो सारी चीज़ें आप लुकआउट कर लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपने अपने ही डाउनलोड किया या किसी और का, वो सारी चीज़ें देखना इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर जाना है, कहाँ पर सेंटर आपको अलॉट हुआ है, उस जगह के लिए आप अभी से जो भी आपकी फ़्लाइट अगर बुक कर रहे हैं तो फ़्लाइट बुक कर लीजिए, या जैसे भी आप वहाँ जा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए आप जल्द से जल्द अपनी सारी चीज़ें तुरंत के तुरंत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट अगर होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको क्रिएट होते हुए दिखाई देगी एग्ज़ाम में, क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रियोस हो चुका है इस एग्ज़ाम के पीछे। 1 से 2 महीने के भीतर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें आ गई हैं आपके सामने। पेशेंस आपने सारा खो दिया होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को ही कंडक्ट हो रहा है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग है, जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि अभी भी चांसेस है पोस्टपोनमेंट की, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप उसके उम्मीद में मत बैठिए कि आपका एग्ज़ाम वो पोस्टपोन्ड होगा। अगर पोस्टपोन्ड होना होता तो वो NBE एडमिट कार्ड आपका अनाउंस नहीं करती, रिलीज़ नहीं करती, उसको भी आज के लिए होल्ड ऑन करके रखा जाता या शाम तक के लिए उसको रिलीज़ किया जाता, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं चांसेस उनके फेवर में है, इसलिए उन्होंने आपका एडमिट कार्ड जो है उसको भी रिलीज़ कर दिया गया है। जो भी पर्टिकुलर 5 मार्च को जो भी एग्ज़ाम सेशन होने हैं, जैसे भी प्रोसेस होना है, वो सारी चीज़ें अब कर दी गई हैं। बाकी अगर हम सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की बात करते हैं, उसकी अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं, कितने बजे से क्या टाइमिंग आपकी रहने वाली है, तो कहीं ना कहीं अगर फर्स्ट हियरिंग को देखा गया तो उसको लंच के बाद आपका कहीं ना कहीं हियरिंग आपकी कंडक्ट कराती हुई दिखाई दी। वहीं पर अगर हम इस बार भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लंच के बाद ही आपको हियरिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। बाकी जो भी कोई अपडेट होगा रिगार्डिंग NEET PG, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी जजमेंट आएगा, कोशिश करेंगे कि हम पूरा जजमेंट आपको लाइव आपको दिखाएं अपने चैनल पे। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी फर्दर अपडेट होने वाला सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग NEET PG पोस्टपोनमेंट को लेकर आपको इस चैनल पर मिलेगा, जो भी ऑफिशियल अपडेट रहेगा। बाकी अभी तक तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को ही, कोई उसमें चेंजेस नहीं है, ना ही कोई अपडेट अभी तक आया हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, होगा तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।